यूपी एल्टी ग्रेड टीचर्स मैथमेटिक्स का वेक्टर का क्वेश्चन पेपर नंबर है थर्ड। इसमें क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है जीरो, बी है वेक्टर जीरो एंड सी है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड डी है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट स्केलर। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट स्केलर, क्वेश्चन नंबर टू है आर बी द पोजिशन वेक्टर, ये वेक्टर आर होगा, बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए मूविंग पार्टिकल देन वेलोसिटी वेलोसिटी वी, वी क्या होगी, ए ऑप्शन है आर क्रॉस आर, बी ऑप्शन है आर डॉट आर एंड सी है डी आर अपॉन डी टी एंड डी है नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बी इज द B is the velocity of constant magnitude, then B dot dB upon dt is equal to, A option is B, B option is B into dB upon dt and C is V square and D is 0. Question number 4 is A and B we are two vectors, then d upon dt a cross b is, पहला ऑप्शन है a cross db upon dt, b ऑप्शन है d upon dt cross b and c ऑप्शन है a cross db upon dt plus b cross d upon dt, डी ऑप्शन इसका नॉन कर देते हैं नॉन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें ये हमारे तीन ऑप्शंस चार क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कंडीशन फॉर ए वेक्टर यू, यू के टी का फंक्शन है टू हैव ए फिक्स्ड डायरेक्शन, ए पार्ट है यू डॉट डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो, बी है यू क्रॉस डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो एंड सी ऑप्शन है यू इक्वल टू जीरो एंड डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 6 है ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर वेक्टर फंक्शन यू टी टू हैव ए कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड इज, हैज ए कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड ए ऑप्शन है यू डॉट डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो एंड बी ऑप्शन है यू क्रॉस डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो एंड सी है यू इक्वल टू जीरो एंड डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर आर दिया है ए कॉस टी इंटू आई प्लस ए साइन टी इंटू जे प्लस बी टी इंटू के एंड देन डी आर बाई डी टी का मोड इज क्या होगा, ए ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी ऑप्शन है ए स्क्वायर सी है बी स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए ऑप्शन था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर,
बी है ए स्क्वायर, सी है बी स्क्वायर एंड डी है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से इसके ऑप्शंस बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेक्टर आर इक्वल टू ए कोस टी इंटू आई प्लस का ए साइन टी इंटू जे प्लस का बी टी इंटू के देन डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। वही क्वेश्चन का मोड ऑफ एज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालना है। ए ऑप्शन है ए स्क्वायर, बी है ए, सी है ज़ीरो एंड डी होगा नॉन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर इक्वल टू टी प्लस का 1 इंटू आई प्लस का टी स्क्वायर प्लस का टी प्लस का 1 इंटू जे जे प्लस टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस का 1 इंटू के एट टी इक्वल टू 2 पर वैल्यूज निकालना डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू। ए है 10, बी है 10 अंडर रूट 2 एंड सी है अंडर रूट 150 एंड डी है 0। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए एंड बी द कॉन्स्टेंट वेक्टर, ए एंड बी कॉन्स्टेंट वेक्टर्स एंड ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, आर इज द वेक्टर फंक्शन, आर इज द वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, इनके आर इक्वल टू है कॉस ओमेगा टी इंटू ए प्लस का साइन ओमेगा टी इंटू बी एंड देन द वैल्यूज डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू। ये क्वांटिटीज किसके इक्वल होगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इज ए ऑप्शन है ओमेगा ए क्रॉस बी, बी ऑप्शन है ओमेगा डी आर अपॉन डी टी एंड सी है ज़ीरो एंड डी है नॉन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। लगभग वही 50-50 क्वेश्चन रख रहे हैं तो ज़्यादा बड़ा भी पेपर नहीं हो जा रहा है और आसान है। फिर बाद में सॉल्यूशन के लिए कमेंट रहता है तो सॉल्यूशन भी 50 क्वेश्चनों का आसानी से किया जा सकता है, जो कि एक ही वीडियोस में आ जाए। और ठीक है, बेहद ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स एंड के इज ए कॉन्स्टेंट स्केलर, देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, के इज ए स्केलर है एंड ए एंड बी द कॉन्स्टेंट वेक्टर एंड दे है डी टू पी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पी इक्वल टू ज़ीरो। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमको छाटना है, बी है डी टू पी अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर पी इक्वल टू ज़ीरो एंड सी है डी टू पी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस का के पी इक्वल टू ज़ीरो एंड डी है डी टू पी अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का के पी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 क्वेश्चन यानी कि 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया आर इक्वल टू कोस एन टी इंटू आई प्लस का साइन एन टी इंटू जे। ठीक है, देन आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इक्वल क्या होगा, ए ऑप्शन है एन के, बी है टू के, सी है के एंड डी है ज़ीरो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एन के निकल के आता है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है इसलिए बता दिया जा रहा है। एंड 13 है आर डॉट डी आर इक्वल टू ज़ीरो, वेक्टर आर डॉट डी आर इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस डी आर इक्वल टू ज़ीरो, देन शो करना है आर कैप इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन। ठीक है, ये क्वांटिटीज हमको शो करनी है कि आर कैप कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज होगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर से लेते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन वहाँ पे आने वाले होंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, ग्रेड एफ अपॉन जी इक्वल टू क्या था, होता है जी डॉट, ये फॉर्मूला ही है, ग्रेड एफ माइनस का एफ डॉट ग्रेड जी अपॉन ये क्या होता है के, ये जी स्क्वायर होता है कि जी होता है कि के ही रह होता है, मतलब वन होता है कि जीरो होता है, ठीक है। यहाँ से की वैल्यूज फाइंड करना है तो ये जी स्क्वायर आया करता है, या ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, फाइ इक्वल टू गिवन है 2x² y³ माइनस का 3y² z³, फाइंड डेल फाई एट पॉइंट 1-1 एंड 1 पर, आंसर आएगा माइनस का 4i प्लस का 12j प्लस का 9k, बी ऑप्शन है माइनस का 4i माइनस का 12j प्लस माइनस का 9k, एंड सी ऑप्शन है माइनस का 4i माइनस का 12j प्लस का 9k, एंड डी है नॉन। इसमें से चेक करना कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो डेल फाई का भी एक दो क्वेश्चन आता रहता है, एंड एक है ग्रेड एफ ऑफ आर क्रॉस आर इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है 1, बी है 0, एंड सी है 2, एंड डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 17, एंड फाई इक्वल टू लॉग मोड ऑफ आर मोड ऑफ वेक्टर आर देन ग्रेड फाई हमको फाइंड करना है, ग्रेड फाई इक्वल टू क्या, ग्रेड फाई ए ऑप्शन है वेक्टर आर अपन आर स्क्वायर, बी है माइनस का वेक्टर आर अपन आर स्क्वायर, एंड सी है वेक्टर आर अपन आर क्यूब, एंड डी है नॉन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शंस बनेंगे। तो 17 क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18, क्वेश्चन नंबर है 18, ग्रेड 1/r इक्वल टू क्या होता है, ए ऑप्शन वेक्टर आर अपन आर क्यूब, बी ऑप्शन माइनस का वेक्टर आर अपन आर क्यूब, सी ऑप्शन वेक्टर आर अपन आर स्क्वायर, एंड डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेड वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इक्वल टू क्या, ए ऑप्शन है 2r एंड बी ऑप्शन है 2r एंड सी है 2 एंड डी है 3। क्वेश्चन नंबर 20, फाइ इक्वल टू एफ ऑफ आर देन ग्रेड फाइ होगा, ग्रेड फाइ इक्वल टू ए ऑप्शन है एफ ऑफ आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर, बी ऑप्शन है एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर, एंड सी ऑप्शन है एफ डबल डैश आर अपॉन आर इंटू वेक्टर आर, एंड डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ये बी दिया है e^xyz एंड 1 i + j + k, तो फाइंड इसमें करना था कर्ल बी, ठीक है। तो कर्ल बी का जो इसका आंसर आता है, यानी कि कर्ल बी इक्वल टू आएगा e^xyz, ये प्रूफिंग करना है, x z - y (y) + y x - z (j),
क्योंकि ऑप्शन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसका आंसर ही दे दे रहे हैं। ये इसका प्रूफ करना है, ठीक है। कल भी फाइंड करेंगे ऑप्शन, वहाँ बने बनाए आएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको करेक्ट ही ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन लगाने आएंगे, लग रहा होगा, तो ऑप्शन भी साफ नज़र आने लग जाते हैं, ऑप्शन भी मिल जाता है, ढूँढ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट क्वेश्चन से वेक्टर आर इक्वल टू दिया है एक्स आई, ये बहुत आता है, प्लस का वाई जे प्लस का जेड के, फाइंड डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर की क्वांटिटीज क्या है। ए ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3 एंड डी है नॉन, ठीक है। डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस का जेड के, इनकी पोजिशन वैक्टर है, इसमें कर्ल वैक्टर आर फाइंड करना है। कर्ल वेक्टर आर इसका कितना आता है, कर्ल वेक्टर आर ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 2 एंड डी है 3। क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, ये लाना है डाइवर्जेंट ऑफ आर कैप इक्वल टू क्या। ए ऑप्शन है 1/r, बी ऑप्शन है 2/r, सी ऑप्शन है 3/r, चौथा है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक फंक्शन है जेड आई प्लस का एक्स जे प्लस का वाई के जेड आई, तो इसमें निकालना है कर्ल, कर्ल एफ इक्वल टू क्या। तो ए ऑप्शन है 1, बी है 0, सी है 2 एंड डी है 3। कर्ल कर्ल एफ की क्वांटिटीज यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 होगा, एंड डाइवर्जेंट ऑफ आर की पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू क्या होता है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है एन प्लस का 2 आर की पावर एन, बी है एन प्लस का 3 आर की पावर एन एंड सी है एन इंटू एन प्लस का 2 आर की पावर एन एंड डी है इसमें नॉन। क्वेश्चन नंबर 27, कर्ल आर की पावर एन वेक्टर आर इक्वल टू 0, देन आर की पावर एन, आर की पावर इज क्या है। नंबर 1 इरेशनल, नंबर 2 सोले नाइडल एंड सी है नॉन एंड डी है बोथ। बोथ तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन अगर आ रहा है कि दोनों हैं तो नॉट पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या। ए ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 0 एंड डी है नॉन। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, ए डॉट डेल 1/r इक्वल टू माइनस क्या आएगा, ठीक है। ए ऑप्शन है माइनस का ए डॉट वेक्टर आर अपॉन आर क्यू, बी ऑप्शन है ए डॉट वेक्टर आर अपॉन आर क्यू, सी है माइनस का ए डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर एंड डी है नॉन, ठीक है। इनमें से कोई सा भी नहीं। क्वेश्चन 29 हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है फाइंड करना है डाइवर्जेंट ग्रेट आर की पावर एन, ठीक है। डाइवर्जेंट ग्रेड आर की पावर एन एंड ऑप्शन आएंगे इसके एन एन प्लस का 1 आर की पावर एन माइनस 2, बी एन एन प्लस का 1 आर की पावर एन माइनस का 1, सी एन एन माइनस 1 आर की पावर एन माइनस 2, डी एन एन माइनस का 1 आर की पावर एन माइनस का
वन। ठीक है, तो इसमें से हमको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 एंड कर्ल ग्रेड आर की पावर एन इक्वल टू, ए ऑप्शन है 1, बी है 0, सी है 3 एंड डी है 4। क्वेश्चन नंबर 32 ये क्वेश्चन पीजीटी मैच में काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन होता है, ये डेल स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा। ये ऑप्शन है माइनस का 2x अपॉन आर की पावर 4, बी है 2x अपॉन आर की पावर 4, सी है 2x अपॉन आर क्यूब एंड डी है नॉन। 33 एंड डेल स्क्वायर 1 अपन आर की वैल्यूज फाइंड करना है, ए ऑप्शन है 1, बी है 0, सी है 3 एंड डी है 4। ठीक है, 33 क्वेश्चन हमारे ओके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 34 क्वेश्चन है डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू क्या होता है, तो ए ऑप्शन है एफ डबल डैश आर प्लस का 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर एंड बी ऑप्शन है एफ डबल डैश आर माइनस का 2 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर एंड सी ऑप्शन है एफ डबल डैश आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश आर एंड डी है नॉन। 35 डेल स्क्वायर डेल वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए ऑप्शन है 2r की पावर 4, बी है 2r की पावर माइनस 4, सी है 3r की पावर 4 एंड डी है 3r की पावर माइनस 4। ठीक है, एंड 36 नंबर क्वेश्चन है कल ए डॉट वेक्टर आर इंटू ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, 0, 3 एंड 2 किसके इक्वल क्वांटिटीज बना करती है ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है द डाइवर्जेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड फॉर क्या होता है, ए ऑप्शन है वेक्टर फंक्शन, ए स्केलर फंक्शन या एनी फंक्शन या नॉन। ठीक है, 38 है एफ फाई इक्वल टू एक्स वाई जेड इज ए स्केलर फंक्शन देन डेल स्क्वायर फाई अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपन डेल जेड स्क्वायर इज क्या होगा, ये लाप्लासियन ऑपरेटर हुआ करता है जो उसमें से कंडीशन बन पाएंगे। 39 ये है डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा एंड डेल टू डेल फाई इज दिस के किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन इसमें से लगभग हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 41 द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर आर इज, ए ऑप्शन है 3, बी है 1, सी है 0 एंड डी है माइनस का 3 एंड 42 कर्ल ऑफ वेक्टर आर इज, ए ऑप्शन है 3, बी है 1, सी है 0 एंड डी है 3r एंड 43 है 4a कांस्टेंट वेक्टर b के लिए वैल्यूज ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर b इज, ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 3b एंड सी है 0 एंड डी है 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 4a कांस्टेंट वेक्टर b वैल्यू ऑफ कर्ल b इज, ए ऑप्शन है 3, b है 0, c है 3b एंड d है 1। ठीक है, एंड
वैल्यूज ऑफ 44 हो गया 45, वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट ग्रेड फाइ इज, ए ऑप्शन है 0, बी है डेल स्क्वायर फाइ, सी है 1/2 डेल स्क्वायर फाइ एंड डी है नॉन। 46, वैल्यू ऑफ कल ग्रेड फाइ इज, ए ऑप्शन 0 डेल स्क्वायर फाइ एंड सी 1/2 डेल स्क्वायर फाइ एंड डी है नॉन। एंड क्वेश्चन नंबर 47, वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंट कर्ल ए इज, ए ऑप्शन है 0, बी है डेल स्क्वायर ए, सी है ए डॉट ए एंड डी है नॉन। क्वेश्चन नंबर 48 है, ए वेक्टर दिया है ए एक्स प्लस का 3y प्लस का 4z इंटू आई प्लस एक्स माइनस का 2y प्लस का 3z इंटू जे प्लस 3x प्लस का 2y माइनस का z इंटू के इज सोलेनाइडल, इज सोलेनाइडल देन वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू कितना होगा, ए है 2, बी है 3, सी है 0 एंड डी ऑप्शन है 1। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, ए एंड बी आर इरेशनल देन ए क्रॉस बी इज, ये होगा सोलेनाइडल एंड बी है इरेशनल एंड सी है पोलर वेक्टर एंड डी है यूनिट वेक्टर। तो इसका जो, ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो हमको थोड़ा सा आसानी रहेगा। बाद में ये बहुत प्रॉब्लम आया करती है कि उसका मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देने के लिए बहुत बड़ा पेपर जो है कम से कम 2 घंटे लगेगा अगर 120 पूरा रखेंगे तो। ठीक है, तो हम इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से रख रहे हैं ताकि आसानी से हो जाए। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन इसका भी आ सकता है, डायरेक्शन डेरिवेटिव का भी एक क्वेश्चन रख दें, ऑफ एफ इक्वल टू फंक्शन से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर एट पॉइंट 1, 2 एंड 3 इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन एक्स अपॉन 3 इक्वल टू वाई अपॉन 4 इक्वल टू जेड अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन हुए हैं।